तो गुरुलोक, तुमने तो मार्वल की व्हाट इफ सीरीज देखी होगी, जिसके अंदर एक एपिसोड था ज़ॉम्बीज़ वाला, जिसके अंदर अर्थ के सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन चुके थे और पूरी अर्थ के ऊपर ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। लेकिन कुछ ऐसे भी सुपर हीरोज थे, कैरेक्टर्स थे, जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, जो कि सर्वाइवर्स थे, सर्वाइव कर गए थे इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को। कुछ हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिले थे और कुछ मार्वल ने कन्फर्म करे थे। तो उन्हीं सर्वाइवर्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो कि इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए और ये उन ज़ॉम्बी से फाइट करते रहे और अपने साथ साथ जितने भी लोग इनके साथ थे उनको बचाते रहे। तो कौन है ये कैरेक्टर्स, तो उन्हीं के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि सब लोग ज़ॉम्बी पर तो ध्यान दे देते हैं कि ये सुपर हीरो ज़ॉम्बी बन गया, ये कैरेक्टर ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता कि कौन अभी तक बच गया इन वायरस से। तो उसी के ऊपर आज आपको मैं टॉप 10 ऐसे सर्वाइवर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बच गए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो का अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो पहले नंबर पे आती है येलेना बिलोवा। अब ये ब्लैक विडो की सिस्टर है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने इसके ऊपर एक मूवी भी देख रखी है। अब ब्लैक विडो तो मार्वल ज़ॉम्बीज के अंदर ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन येलेना बिलोवा नहीं हुई थी और ये अब सर्वाइवर्स की टीम के अंदर ब्लैक विडो की जगह लेने वाली है, क्योंकि इसके पास भी वो सारी स्किल्स है जो कि ब्लैक विडो के पास थी। और दूसरे नंबर पे आती है अपनी केट बिशप, जिसको हमने हॉकाई सीरीज के अंदर देखा था, जो कि हॉकाई की जगह लेने वाली है। अब इसी की तरह हॉकाई भी ज़ॉम्बी बन चुका था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे केट बिशप ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, क्योंकि इसके पास अपने बो एंड एरो होते हैं जिसकी हेल्प से ये दूर से ही ज़ॉम्बी को किल कर सकती है। इसीलिए इसी तरह से ये अपनी स्किल्स की वजह से अभी तक बस्ती चली आई है और ये भी सर्वाइवर्स की टीम के अंदर है और उनको और खुद को ज़ॉम्बी से बचा रही है। और बाद में जाके जो येलेना होती है वो केट से जाके टीम अप कर लेती है, जिसके साथ ये सारे मिलके ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है अपना एजेंट वू, जो कि एक FBI एजेंट होता है और ये हमें सबसे पहले एंटमैन की मूवी के अंदर देखने को मिला था और इसका अच्छा खासा रोल हमने वांडा विजन के अंदर भी देखा है। अब ये उन लकी कैरेक्टर्स में से एक है जो कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बच गया था और ये भी एक सर्वाइवर है। इसको भी मार्वल ज़ॉम्बी के अंदर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड नहीं दिखाया गया, इसलिए ये भी एक सर्वाइवर है जो कि अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इन्फेक्टेड नहीं है। और चौथे नंबर पे आता है रेड गार्डियन। अब ये अपने येलेना का फादर होता है, मतलब रियल फादर तो नहीं होता, एक एडॉप्टिव फादर होता है। अब ये भी मार्वल ज़ॉम्बीज़ के अंदर में दिख चुका है, लेकिन ये इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, ये सर्वाइव कर गया था मार्वल ज़ॉम्बीज़ के अंदर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से। और इसके अंदर रॉजर्स के साथ फाइट भी होती है, जो कि अपना कैप्टन अमेरिका ज़ॉम्बी बन चुका था तो उसके साथ इसने फाइट करी थी, लेकिन ये वहां पे इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, बच गया था, इसीलिए सर्वाइवर की लिस्ट के अंदर आता है। और पांचवें नंबर पे आता है डेथ डीलर। अब ये हमें सबसे पहली बार शैंगची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के अंदर देखने को मिला था। ये एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट होता है जिसको पूरा मार्शल आर्ट आता है और इसी ने अपने शैंगची को ट्रेन किया था मार्शल आर्ट के अंदर। और इसका जितना भी रोल दिखाया गया था शैंगची मूवी के अंदर वो काफी ज्यादा देखने में अच्छा था, लेकिन इसे आखिरी के अंदर मरना पड़ जाता है। लेकिन अपने मार्वल की वॉट इफ सीरीज के अंदर जब ज़ॉम्बी वायरस फैलता है पूरे अर्थ के ऊपर, तो उसमें से एक सर्वाइवर ये भी होता है जो कि ज़ॉम्बी वायरस से अभी तक बचा हुआ है और अभी भी सर्वाइव कर रहा है। और छठे नंबर पे आता है अपना शैंगची। अब ये भी मार्वल ज़ॉम्बीज़ के अंदर अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है, क्योंकि इसके पास जो इसकी टेन रिंग्स है वो इसको बहुत ही ज्यादा पावर देती है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी से फाइट कर पाता है और कहीं ना कहीं ये ज़ॉम्बी वायरस से इसी टेन रिंग्स की वजह से बचा रहता है। क्योंकि जैसा कि हमने मूवीज के अंदर इसको टेन रिंग इस्तेमाल करते हुए देखा है, तो हमें पता है कि टेन रिंग्स अपने यूजर को काफी ज्यादा पावर दे देती है, उसे एक तरह से इमोर्टलिटी की पावर मिल जाती है और हीलिंग फैक्टर मिल जाता है। तो शायद हो सकता है कि इसीलिए शैंगची भी ज़ॉम्बी वायरस से बचा हुआ है। और तो और मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के अंदर जब ज़ॉम्बी वायरस का एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया था, तो उसके अंदर ऐसा देखने में लग रहा था कि अपना शैंगची सारे सर्वाइवर्स का लीडर है। तो सातवें नंबर पर आती है केटी, जो कि मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज के अंदर एक सर्वाइवर थी। अब केटी शैंगची की दोस्त होती है, इसको बो एंड एरो चलाना आता है, जो कि एक मिस्टिकल पावर से भरा हुआ होता है, क्योंकि इसने ये पावर सीखी थी एक मिस्टिकल लैंड जो कि अपना टालो है, जहां से शैंगची बिलोंग करता है, वहां पे इसने ये बो एंड एरो चलाना सीखा था। और हो सकता है फ्यूचर में हमें ये देखने को मिले व्हाट इफ सीरीज के अंदर कि अपनी केट बिशप इसको और ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि ये भी बो एंड एरो चलाती है। और आठवें नंबर पे आती है कमाला खान, जिसको मार्वल ने खुद कंफर्म करा है कि ये भी अभी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुई है, क्योंकि इसके पास भी इसकी खुद की पावर्स है, बैंगल्स है, और फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकता है जो कि इसकी एक सुपर हीरो थी कैप्टन मार्वल, बाद में जाके इसी का उसी के साथ फेस ऑफ हो जाए, क्योंकि कैप्टन मार्वल एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये अभी तक एक ह्यूमन है, तो हमें इनकी फ्यूचर में फाइट देखने को मिल सकती है। और नौवें नंबर पे आता है अपना हैप्पी होगन। हाँ, ये वही है जो कि अपने स्पाइडरमैन का सौतेला बाप है, जो कि अब नहीं है, अब इस सीरीज के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाता है स्पाइडरमैन की हेल्प से और बाकी सारे कैरेक्टर्स की हेल्प से। और दसवें नंबर पे आता अपना पीटर पार्कर स्पाइडरमैन। अब ये भी एक सर्वाइवर है इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के अंदर, जहाँ पे तो हमें पता है इसकी पावर्स के बारे में, ये बिल्डिंगों पर लटक लटक के सारे ज़ॉम्बी से बच जाता है और अपनी सारी पावर्स की हेल्प से ये सारे ज़ॉम्बीज को किल भी कर देता है और उनसे बच के निकल भी जाता है, और इसका बहुत बड़ा हाथ था हैप्पी होगन को बचाने में। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स जो कि मार्वल की ज़ॉम्बी सीरीज के अंदर अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, और इसमें से कुछ ऐसे जो कि मार्वल ने खुद कंफर्म करे और कुछ जो कि हमें देखने को मिल चुका है व्हाट इफ सीरीज के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के
अंदर जॉम्बी सीरीज के ऊपर एक और एपिसोड आएगा नहीं आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।